गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम विजय शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अवर टुडेज टॉपिक इज फॉर क्लास 12th एंड अवर टॉपिक इज हाउ टू राइट इनफॉर्मल लेटर्स। हियर इज द फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड व्हाट आर इनफॉर्मल लेटर्स। सो इनफॉर्मल लेटर्स आर सच लेटर्स वी यूज टू राइट our friends, our family members or our relatives to someone who are our close. Okay, so let's start. We see the format of informal letters. First यहाँ पर दिया हुआ है sender's address. Sender's मतलब जो letter लिख रहा है, भेजने वाले का नाम। तो यहाँ पे दिया हुआ इसका एड्रेस लिखना है आपको लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पर, लेकिन उसका जो सेंडर का नेम है हमें यहाँ पर मेंशन नहीं करना है। मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पर 36 आदर्श कॉलोनी जबलपुर। इस टाइप से आपको जो भेजने वाला है सेंडर है उसका एड्रेस लिखना है। नेक्स्ट आपका है डेट। तो डेट आप इस फॉर्मेट में लिखे 31st March 2020। आपके लेटर में जो डेट है आप वो डाल सकते हैं, या अगर उसमें नहीं मेंशन है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। थर्ड है सैल्यूटेशन। अब सामने वाले को आपको ग्रीट कैसे करना है, उसका अभिनंदन कैसे करना है। तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि हम किसको लिखते हैं, हमारे रिलेटिव्स हो गया, हमारे क्लोज वन को लिखते हैं, जिसके हम टच में, पर्सनल टच में उसको लिखते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं डियर। अगर आपका फ्रेंड है तो आप उसका फर्स्ट नेम का यूज़ कर सकते हो, डियर सुरेश या डियर फ्रेंड करके लिख सकते हो। अगर आपकी मदर है तो आप डियर मॉम करके लिख सकते हो, फादर करके लिख सकते हो, या आप उनको एल्डर है, कोई भी आपके अंकल है या फादर है उनको आप अगर सम्मान का सूचक वर्ड अगर करना है आपको तो उनको आप रिस्पेक्टेड फादर, रिस्पेक्टेड मॉम, रिस्पेक्टेड अंकल ऐसा भी करके लिख सकते हैं। अगर और कोई है और उनको आप रिस्पेक्ट के साथ सम्मान सूचक ज़्यादा सम्मान देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मिस्टर या मिसेज करके भी लिख सकते हैं। तो ये आपका सैल्यूटेशन का तरीका हुआ। नेक्स्ट है आपका बॉडी। तो बॉडी आपकी कैसी होना चाहिए, आपका ये जो वर्ड्स लिमिट है इसमें नॉट मोर देन 150 वर्ड्स। 150 वर्ड्स हम ज़्यादा इसका कंटेंट जो है या जो बॉडी है उससे ज़्यादा नहीं करें। लैंग्वेज आपकी इनफॉर्मल होना चाहिए। इसमें आपको जो भी आपकी, जैसे हम टेलीफोन पे कम्युनिकेशन करते उस टाइप की आप लैंग्वेज में यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम उनके क्लोज या उनके पर्सनल टच में होते हैं। तो हमारी लैंग्वेज कैसी होना चाहिए, सिंपल और इनफॉर्मल होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इसको इनिशिएट कैसे करना। तो आप ऐसे कर सकते हो, आई होप यू आर ओके हेल्दी एंड हैप्पी देयर। एक और एग्जाम्पल दिया है मैंने यहाँ पर, आई होप यू आर डूइंग वेल देयर, और आई एम वेल हियर एंड होप द सेम फॉर यू और एनी अदर। इफ यू नो सम अदर सेंटेंसेस टू इनिशिएट बॉडी ऑफ द इनफॉर्मल लेटर सो यू मे राइट, बट आई गिव सम एग्जाम्पल्स हियर सो देट यू मे अंडरस्टैंड हाउ टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ द लेटर, उसको कैसे हम इनिशिएट करें। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब उसको जब हम क्लोजिंग करते हैं लेटर की, तो क्लोजिंग करने में कुछ सम्मान सूचक शब्द जो है हम उसमें लिखें, या कुछ अफेक्शन से रिलेटेड हमारा क्लोज वन है सामने वाला तो उसके प्रति हम आदर सम्मान इस टाइप के कुछ वर्ड्स यूज़ करें। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, कन्वे माय रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, होप टू सी यू सून, रेस्ट इज ओके, इस टाइप का भी आप लिख सकते हैं। और दूसरे भी अगर आपको पता है तो आप दूसरे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे आपका योर्स, आपको योर्स वर्ड का यूज़ करेंगे। इसमें आप अगर फ्रेंड वगैरह है तो आप सिंसियरली लिख सकते हैं, और किसी के ज़्यादा आपका रिलेशन सामने वाले इसके साथ किसी के बहुत ज़्यादा क्लोज है तो लविंगली, अफेक्शनेटली, योर्स ट्रूली, योर वेल विशर, योर फ्रेंड, इस टाइप से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लास्ट में आपका आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर में आप नेम लिख सकते हैं। अगर उसमें क्वेश्चन में दिया है तो आप नेम लिख सकते हैं, और अगर क्वेश्चन में नेम नहीं दिया है, जैसे आपको मैं एग्जामिनेशन पर्पज से बोल रहा हूँ कि जनरली जो लेटर वाला जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि नेम दिया होता है कि यू आर सुरेश एंड राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड या सम पर्सन, सो यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द पर्सन दैट इज गिवन
इन योर क्वेश्चन, अगर आपको वहाँ पे नाम नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, आपको जनरली आपका नाम नहीं मेंशन करना है उसमें, आप यहाँ पे लिखेंगे रोल नंबर तो भी आपका चला, आप रोल नंबर लिख सकते हैं, आपकी क्लास डाल सकते हैं, ठीक है। आई होप नाउ यू विल अंडरस्टैंड फुली हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। दैट्स ऑल, आई विल कम टू टेकिंग नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, जय श्री राम।